हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वापस जा रहे हैं इंडिया दमाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम के लिए आए थे वो सारे काम हो चुके हैं। दिल में खुशी भी है और जाने का गम तो होता ही है। मुझू जा रहा है, नींद आ रही है बेटा, सो जा सो जा, चलो सो जा, नानी से मिल लो। रो रहा है उदास यार। चलो अभी हम पहुंच चुके हैं दमाम एयरपोर्ट और यहाँ पे देखिए सारे फ्लाइट के डिटेल्स है। हमारी फ्लाइट है फ्लाई नास की दमाम टू लखनऊ, जो कि है 8:20 पे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कुछ कुछ चॉकलेट्स ले ली हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए, और डेट्स जो भी कुछ कुछ हम नहीं ले पाए थे, जो हमें यहाँ से ध्यान आया है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। निकल चुके हैं और इतना अजीब लग रहा था कि हम लोग ने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया। फ्रोज हो रही थी, बाजी रो रही थी, मुझे भी बहुत उदास हो गया था। ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, बस वो लोग यही कहते रुक जाओ रुक जाओ। चलो इंशाल्लाह फिर जल्दी आना होगा। 2-3 आवर्स हमें एयरपोर्ट पे वेट करना था, तो सोचा सबके लिए कॉफी ले लेते हैं और कुछ कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो हमें स्टारबक्स दिखा था, वहाँ से हमने सबके लिए कॉफी ले ली है। 6:24 हो रहा है, अभी 1.5 घंटा बचता है हमारी फ्लाइट में। तो हम बस यहाँ पे देख रहे हैं कि आज बादल वादल ना हो ज्यादा। टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट खड़ी हुई है, ये है जी टर्किश एयरलाइंस। अभी हम आ गए हैं डंकिन डोनट्स पे, क्योंकि सनी ने कहा कि तुम कुछ फ्लाइट में खाने के लिए ले लो, क्योंकि 4-4.5 घंटे की फ्लाइट होगी और फ्लाइट में शायद ऐसा हुआ है कि खाना एड नहीं हुआ है। 2 टिकट्स में हुआ है, 2 में नहीं हुआ है। तो हमने डोनट्स लिए क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन था, लेकिन आपको पता है कि मुझे फ्लाइट में होती है घबराहट, तो मैंने ये नहीं खाए और मैं खा ही नहीं पाई। इत्तेफाक से हम फ्लाइट में से छोड़ के आ गए। बहुत बुरा मुझे लगा, घबराहट के मारे। तो उन्होंने ब्लैक कॉफी दे दी, तो पी लो क्या? डंकिन ओरिजिनल कॉफी थी, मुझे लगा कुछ स्पेशल होगी, तो गरम बिल्कुल काली कॉफी पानी वाली, वो भी मैंने पूरी मुंह में डाली। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, बोर्डिंग लेते हैं। तुम्हारे लिए घबरा ली, सीढ़ी भी है यहाँ से, सीढ़ी जाना है। पैसेंजर्स को आपके पीछे से जल्दी से जल्द जाने दीजिए, ताकि आपसे निवेदन करती है कि आप अपने फाइनली अलहमदुल्ला हम लोग पहुँच गए, वो सब उतर रहे हैं नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर हैं, फ्रेंड्स भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया। अभी चलते अपने घर। हम लोग आ गए थे अनंत भोग, जो कि लखनऊ में है। यहाँ से हम सब ने लंच किया और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। काफी लंबा रास्ता था, तो आते आते बहुत रात हो गई थी। कुछ बना भी घर, अस्सलामुअलैकुम।
फ्रेंड्स अभी के लिए मैंने थोड़ा रूम क्लीन कर दिया है, बेडशीट को ना उल्टा करके डाल दिया है कि रात भर काम चल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी और पिल्लों के कवर्स निकाल दिए। कल पूरी सफाई करने के बाद फिर सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगी, आज बहुत ज़्यादा थकान है। अभी चलते हैं नीचे डिनर के लिए। सनी खाला जो है, बाबू खाला, वो यहाँ पे हमें चावल बना के दे गई हैं, तो हम लोग वही खा रहे हैं। और ये कहाँ से है? डॉक्टर साहब के यहाँ से आया है। अच्छा, मैं आपने देखा मैंने सफाई की है। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है और देखिए घर पे अभी पूरा काम चल रहा है और ये मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। और ये देखिए हम लोग यहाँ नहीं थे तो मंकी लोगों ने तो इसे पूरा अपना घर बना लिया है, कितने आराम से बैठ के यहाँ पे जुए निकाल रहे हैं। अब आ गई, बंदर भी आ गए हमारे यहाँ, सबका मिलना मिलाना चालू है। फ्रेंड्स सारे लोग मिल रहे हैं, अभी पुप्पी आई थी और आली आई थी, मतलब पुप्पी की बेटी, सबसे अभी मिल लिया, सब लोग माला डाल रहे थे, शर्म आती है। खाली खाली नहीं लग रहा ये बैग के बिना, मेरी जान निकाल ली है तुम लोगों ने, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से हम सबका ख्याल रखा। हम सब पहली बार गए थे, मैं वो खोलूं क्या टूर एंड ट्रैवल, तुम सबको करवाने वाले हो भाई, मेरा पर्स कहां है? जोहर की नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी हम अपना ब्लॉग एडिट करेंगे, काफी दिनों से ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पैकेट जो है बहुत छोटे मिले हैं, तो देखते हैं कैसे क्या। चार आराम से आएंगे, तो इरफान और सनी बैठ के पैकिंग कर रहे हैं। चार ज्यादा है कि चालू, छह से कर दे बता। अब यहाँ काम शुरू है, सबको ये भी देना है ना, तो हम लोग बना रहे हैं पैकेट, तो बस मैंने खुद से सारे पैकेट पैक कर दिए, लोगों ने सब कर रहा है, सनी ने किए हैं, और सनी वो थैम की पन्नी, एक बार जितने भी वो थैम देखे सारे वो थैम देखो, मैंने यहाँ पे सलाम नहीं किया उस थैम से, रुकैया आई है मिलने, तो चलिए नीचे चलते। तो रुकैया और मुमानी भी आई हुई थी, तो बस उनके साथ हमने बातें की। मगरिब का टाइम भी हो गया है, रुकैया और मुमानी आई थी, वो जा रही हैं और सनी जा रहा है नमाज के। तो मैंने सोचा कि आज खाना बाहर से मंगाती हूँ, क्योंकि सारे लोग हम लोग घर में थके हुए थे और सब कुछ अच्छा खाने का मन करता, तो हमने मंगा दिया चिकन बर्रा, है बहुत टेस्टी है। ये दमाम से लेके आए थे सारी चीजें, ये वनीला कपकेक बहुत ही यम्मी लगता है, थैंक यू। रात के बज रहे हैं 12 और सब अभी व्लॉग, 12:30 बज रहे हैं, बेचारे दिन भर व्लॉग एडिट किया, अभी करके अपलोड करके अब हम जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि उसको लगी चाय की तलब। आप ऐसे बोल रहे हो, हम चाय पीने जा रहे हैं, सबको लगेगा बाहर चाय पिलाने लगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बनाऊंगा ये पी, हम बनाएंगे। अभी हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, काम चल रहा है, हम जा रहे हैं, मतलब जो काम चल रहा है उसके हालात। ऊपर से इस तक लेके आई, अब कहीं चाय नहीं पीती, अंगूर खाना है, अंगूर देख के ना मेरे दिल वो हो गया, क्या और जैसे जबान इसकी लपक आ गई। सबको मेरे चेहरे पे थकान दिख भी रही होगी, देखो। तो फ्रेंड्स हमने चाय का प्लान कैंसिल कर दिया है, मुझे ग्रेप्स और ऑरेंज दिख गए हैं, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत जो भूख है वो भी खत्म हो जाएगी, और मुझे पसंद भी है। सनी हमारे लिए ग्रेप्स निकाल रहे हैं, और ये बिरयानी गरम कर रहे हो, ये कब की कहाँ से आई? तिवाजी के यहाँ से आई थी ना, ये तो भाई की बहन का। तो ये बहुत शुक्रिया, और इसका इस बेचारे का भला हो गया है कि रात में से बिरयानी खाने को मिल गई है। यम यम। तो ये ले लिए हमने ऑरेंज और ग्रेप्स, और ये ले लिए सनी ने बिरयानी, अभी चलते हैं ऊपर। थकान का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मैंने चाय के लिए आज मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टाइम पे नींद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उमरा का ट्रिप बहुत अच्छा था, बस यही सबको सजेस्ट करूंगी कि थोड़े ज्यादा दिन के लिए जाओ, लेकिन हर बार मैं हमेशा कहती हूँ इंसान अपनी ही गलतियों से, गलती नहीं कहेंगे लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो हमने ये सीखा है कि जल्दी जल्दी नहीं जाना है, आराम से जाना है, और अगर आप में से अभी कोई लोग नहीं गए और प्लान कर रहे हो, तो हम आपको कहेंगे एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो जाओ ही जाओ। क्या कहते हो? बिरयानी में लगा हुआ, हाँ सनी भी यही कहता है। तो जर्दा नहीं है तो अंगूर मिला के खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, आज है 14th मार्च, हम लोग जा रहे हैं बाहर जूस पीने, जूस की आदत लग गई है। सुबह से बस घर का काम काम चल रहा है, सुबह से इतनी ज्यादा आवाजें, ये दीवारें कट के अंदर से पाइप जाता है ना, नल की फिटिंग्स, वो सारी चीजें हो रही हैं, और यहाँ पे भी सामान आया है, ये बहुत बड़ा है ना। अरे तुम वहाँ से देखो, वहाँ से रुको रुको, ऐसे ही रुको, कान में लगाओ, तुम लगाओ, हेलो सब पागल। अरे वहाँ आती आवाज, पहले ऐसे ही तो टेलीफोन चलते थे, आपको पता है, तार बांध के, फिर धीरे धीरे बने ऐसे।
खिड़की कब टूटेगी? हम लोग छत पे जा रहे हैं, देखते हैं छत कितनी बनी है। ये अभी तक नहीं खुला है, उधर कैसे जाएंगे? यहाँ नया क्या बना है? ये बना है ना नया, ये ऊपर आने का, यहाँ डोर आएगा। अच्छा ये आने का, ये जाने का, ये वॉशरूम नहाने का है। अच्छा ये वॉशरूम छत में भी एक बनवाया है कि अगर कोई ऊपर हो तो ऊपर। अच्छा यहाँ तो नहीं लगवा रहे, सब कवर वगैरह तो नहीं लगवा रहे, सिंपल वाला बना रहे, सिंपल ही बनवा रहे ना। कल तुम्हारा पूरा प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, यहाँ पे छत का काम कम्प्लीट हो जाएगा। ये पूरा कबाड़ पड़ा है यहाँ पे। तावीज बना के मैं पहन तुझे, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बचपन है ना, इसमें हाथ घुसा दे अपना। बस बस मेरी ब्रेसलेट खराब हो जाएगी, मेरा हाथ नहीं है। कहाँ चला गया? नहीं है। अरे यार चला गया लग रहा है। ये लेके पूरा ऐसे पड़ा हुआ है ना, हमारे घर के हालात खराब है। शाम की चाय बन रही है और यहाँ पे देखो रुखाना बाजी, ये दूध की मलाई अलग कर रही है। अब घी कब बनाएंगे? भर जाएगा ना। हाँ तो कल बन जाएगा घी। तब से हाय करो, सब आपको सब बहुत पसंद करते हैं। हाय सबको, यहाँ सबको सलाम। इतने दिनों बाद आप देखिए ना, कल आपको गुजिया बना के लाऊंगी रात में। अच्छा और रुखाना बाजी हलवा भी लेके आएंगे, दिखाइए किस किस चीज का है। ये चना का है, ये रवा का है, ये चावल का है, मैदा का। मैदा के इतने सारे बना लिए। बनाना पड़ता है ना बच्चों के लिए, सब करना पड़ता है। बड़े वाले लड़के को भी भेजा। अच्छा वहाँ रायपुर चाय बन गई है फ्रेंड्स, असर की नमाज हो गई है, अब चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। क्या बना है? टिश्यूज है। हाँ, कुछ खाने को है। पड़ा शाम का वक्त हो चुका है, चाय भी पी ली है, सनी भी आ गया मैच खेल के। एक्चुअली पता है क्या, हम कर रहे थे गरम पानी पीने के लिए। हाँ। पापा आए, कह रहे चाय बना रही हो क्या? हाँ। मुझे भी दे दो। फिर मैंने चाय बनाई ली तो उन्होंने भी पी ली, मैंने भी पी ली, रुखसाने ने भी पी ली। पानी की जो टंकी थी ना वो यहाँ पे रखी हुई थी, तो यहाँ से हटा के अभी यहाँ पे ऊपर रखवा दी है। तो क्या होगा, नीचे पूरी जगह मिल गई है कुछ भी दावतें फंक्शन कुछ भी करने के लिए। अब एक काम करा करेंगे, तुम्हें मैच खेलने का शौक है ना, तो हम बॉलिंग करेंगे, तुम बैटिंग करना। नेट लगवाना पड़ेगा? नहीं यहीं से खेलेंगे। नहीं बॉल बार बार नीचे जाएगी ना, नीचे नीचे वाला खेलेंगे ना, टप्पे वाला। नहीं नहीं इसमें ना दो पोल लगाते हैं यहाँ पे, नेट लगाते हैं वहाँ तक का, और मैं यहाँ से खेलूंगा तो वहाँ से बॉलिंग करना। ठीक है, बाहर नहीं जाना खेलने। तुम्हारा मेन मोटिव ये है कि सनी घर से बाहर ना जाएगी ना? फ्रेंड्स अब सारे सर्दियों के कपड़े ना हम अंदर रख रहे हैं, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ेगी, रमजान भी आ रहा है, सनी कह रहे घर एकदम खाली खाली चाहिए, ज्यादा इन्हें पहन नहीं पाए हम भी सर्दियों के कपड़े। कोई बात टाटू। ये धोने के कपड़े भैया, हमारे भी कपड़े धुलवा देना। चलो फ्रेंड्स शुक्र है हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट वाला काम तो कर लिया, बैग्स को अनपैक कर लिया, और बहुत सारे धोने के कपड़े थे तो हमने सारे धोने के लिए निकाल दिए हैं। अभी बस कुछ कुछ क्लीनिंग करेंगे क्योंकि अब रमजान जैसे से आते जाएंगे तो मेरे हिसाब से घर को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। अभी चलते हैं नीचे क्योंकि हम पापा कहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स आज मामा का बर्थडे है तो वो लोग बुला रहे थे कि आ जाओ। फ्रेंड्स हम गिफ्ट्स देके आ गए हैं, घर में कोई नहीं था इसलिए सनी को घर पे रुकना पड़ा था, हमने सारी चीजें ले ली हैं, अब हम चलेंगे बर्थडे पार्टी। जो जो मिला बच्चों के हिसाब से, ये भी एक और बैग है, ये घूमने के हिसाब से सही है बस उसकी कुछ कुछ जरूरत की चीज है ये है। चलो भैया बर्थडे। फ्रेंड्स आप भी मेरी तरह हो, कहीं भी कोई पार्टी है बर्थडे में जाने से पहले शर्म आती है। माइक हम जब जाएंगे कानपुर तब लेके आएंगे। किया ये काम? नहीं 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 नहीं। आज मैम का हैप्पी बर्थडे है। कितनी इयर्स की हो गई? 6 इयर्स की हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये कौन है? ये नानी के बगल में रहती है। नाम बताओ अपना। फैजान। फैजान वेरी गुड। माइक नहीं मिला, बस माइक मदा में नहीं मिलता। हाँ,
10 बजने वाला है फ्रेंड्स, अभी तक आज हम लोगों ने डिनर नहीं किया। वैसे हम लोग डोसा खा के आ गए थे और ये तो अभी आया है बाहर से, अभी आया बाहर से। और दिन भर मैं कहीं नहीं जाता हूँ, सिर्फ अभी 10 मिनट की निकलता हूँ, उसमें 10 बार फोन आ जाएगा और उसके बाद सुना जाएगा अभी आया बाहर से। इतने लाचार और मजबूर होके मत बोलो कि सबको लगने लगा कि बेचारे सनी के साथ हमारे अत्याचार हो रहा है। सच में दिन भर मुझे कहीं जाने नहीं देती है। हाँ बेबी कहाँ हो, हाँ बेबी कहाँ हो, मोहब्बत में। अब आप लोग फैसला कर दो ऐसी मोहब्बत। बोलो कितनी देर में, 1.5-2 घंटे में आया है। और बार तो गए थे दिन में, उसका नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। दिन में भी 2 घंटे के लिए गया था। जल्दी से बनाओ। वैसे हमेशा खाएगा सादा ऑमलेट। जब मुझे लेट हो रहा है व्लॉग एडिट करने के लिए तो बोलता है प्याज टमाटर, अम्मा के सामने कहता है ऑमलेट बना दो, तो अम्मा कहती है चलो बेटा हम कुछ करवा लेते हैं। तो हमने कहा नहीं अम्मा, सनी तो इतना सिंपल से तो खाता है, बस उसमें कुछ नहीं करना, बस अंदर डाल देना, ऊपर से काली मिर्च डाल देना। तो कहते नहीं, किसने कहा आज मैं टमाटर प्याज वाला खाऊंगा। बीवी होने के यही तो फायदे होते हैं, नुकसान भी काफी है लेकिन फायदे भी काफी। नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। सबको बोलो कि शादी करना चाहिए, जो लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है शादी कर लो। मेरे को शादी करना चाहिए, मैंने कब मना किया शादी न करने के लिए, बस शादी करना सोच समझ के। फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूं, खाली ये अकेले काम नहीं करे, मैं भी काम कर रहा हूँ। अंडे निकाले मैंने, फ्राई पैन निकाला, अभी मैं गैस ऑन करूंगा। फिर मैंने नीचे से झुक के गैस ऑन करी है, फिर से लाइटर दबाया है, गैस ऑन किया, फ्राई पैन रखा है। अब उसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि मुझे घी दिख जाए, लेकिन अफसोस घी जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये ऑयल निकाला है मैंने बड़ी मुश्किल से, इतना भारी है। चम्मच कैसे, ऑयल डाल दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स बस हमने उसके बाद ये एग भुर्जी बनाई है और ये था हमारा 3 दिन का व्लॉग द माम टू मोहदाहा। यही सारी चीजें अब हो पाई थी, थकान भी थी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।